हेलो गाइस, यू वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एन के फार्मेसी नॉलेज। सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का डायग्राम विद इट्स फंक्शन, मतलब इसके क्या कार्य हैं उनके साथ में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दूँ आपको, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ, एन के फार्मेसी नॉलेज पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरी वीडियो में मेरे डायग्राम पर देख पा रहे हैं, ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम बना हुआ है और इसके सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के क्या क्या फंक्शन हैं। सबसे पहले हम दोस्तों, ये हमारा पूरा जो दिया हुआ है, ये पूरा हमारा डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन हार्ट का। और दोस्तों ये हमारा ओर्टा होता है, इसमें ये जो तीन पाइप जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं ब्लड सप्लाई इन अपन अपर पार्ट। और दोस्तों ये हमारा राइट आर्टरी होता है ये वाला, और ये हमारा लेफ्ट आर्टरी होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हमारी कहलाती है पल्मोनरी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हमारे ह्यूमन हार्ट में राइट साइड में जो होता है दोस्तों, सुपीरियर वेना कावा होता है। और दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट में हमारा पल्मोनरी वेन होती है। यह दोस्तों, और हमारा लेफ्ट आर्टरी के जस्ट नीचे बीएस इन लोअर पार्ट होता है। और दोस्तों हमारा ये हमारा राइट आर्टम कहलाता है। पहले हम राइट साइड की बात कर लें तो दोस्तों, ये हमारा ये जो ब्लू में आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, इसको दोस्तों हम एसिनोड कहते हैं। यहाँ दोस्तों पल्मोनरी के पास ये आप कुछ डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसको हम दोस्तों SV कहते हैं। और दोस्तों यहाँ इसको हम ट्राइक्यूस्पिड बाल्व कहते हैं, जो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं। और दोस्तों इसको हम, ये जो स्पेस है यहाँ, इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और दोस्तों सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं एक पाइप की जैसा, जिसको हम इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं, मतलब इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं इसी के जैसा सेम, इसको हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं और इसको हम इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। तो दोस्तों आज की ये जो टॉपिक आपको मैं रिमेडियल बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारा लेफ्ट आर्टरी होता है। यहाँ दोस्तों ये VS इन लोअर पार्ट होता है। और ये जो दोस्तों दो पाइपलाइन जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इनको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और ये जो स्पेस है हमारा, इसको लेफ्ट आर्टरी बोलते हैं। इसके जस्ट सामने अभी मैंने आपको बताया, इसको हम राइट आर्टरी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। और दोस्तों इसी तरह से जो हमारा आउटर वाली जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई इन अपर पार्ट वाली जो लाइन आई है, उसको हम सेमिलुनार्स बाल्ब कहते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा ये वाला जो भाग है, इसको हम बाइक्यूस्पिड बाल्ब कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से ये नीचे का कुछ स्पेस दिया हो, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और ये जो हमारा आउटसाइड है जो हमारा, इसको हम एपिकार्डियम कहते हैं दोस्तों। और ये हमारा इसके इंटरनल भाग को हम मीडियल कार्डियम कहते हैं। और दोस्तों इसके इंटरनल जो लाइन है हमारी, इसके अंदर वाली जो लाइन है हमारी, इसको एंडोकार्डियम बोला जाता है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ ये इस तरह से, यहाँ से जो आया है ये स्पेस दिया हुआ है बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में, इसको हम कार्डियक सेप्टम कहते हैं। और दोस्तों ये हमारा एक ब्लू डॉट, आपने एक ब्लू डॉट यहाँ देखा और एक ब्लू डॉट यहाँ जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हमारा AV नोड कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लंग्स होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों आज की रिमेडियल बायोलॉजी में मैं बस ये टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। और दोस्तों आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों मेरी यही कोशिश रहेगी इन फ्यूचर आपके लिए रिमेडियल बायोलॉजी और फार्मेसी के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छे से अच्छी जानकारी लेकर आऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगली वीडियो में इसी तरह के अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।